हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल जियो एडुकेशन ग्रुप पे वेलकम है। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज मैं आप लोग को जो है आर्मी स्कूल में जो टीचिंग का जो वैकेंसी निकला है उसके बारे में मैं आपको फुल इन्फॉर्मेशन दूंगी। मैं जल्द से जल्द ताकि आप जो है उसको फुल कर पाओ। तो देखिए, जैसे कि नॉर्मल सी बात है कि आप जानते ही होंगे कि 137 जो है आर्मी पब्लिक स्कूल है, लोकेटेड इन वेरियस कंटेनमेंट एंड मिलिट्री स्टेट, मतलब टोटल जो है 137 आर्मी स्कूल है फ्रेंड्स। और इसके लिए जो है आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है जो ऑनलाइन होती है, जैसे कि इसका लिखा ही हुआ है, देखिए आप, इंस्ट्रक्शन स्क्रीनिंग टेस्ट इसको बोलते हैं। और देखिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, वैकेंसी जो है यहाँ कितना वैकेंसी आया है ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। बहुत सारे ऐसा हो रहा है कि यूट्यूब में बता दिया जा रहा है 8,000 है, 9,000, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। आप खुद से ये नोटिफिकेशन देख सकते हो और वीडियो पॉज करके पढ़ भी सकते हो। अभी ऐसा नहीं है, कितना वैकेंसी ये क्लियर नहीं हुआ है, तो आप इसको लेकिन अप्लाई कर सकते हो। और वैकेंसी जो है वो दो मोड में होगी, रेगुलर भी होगी एंड फिक्स टर्म, रेगुलर और फिक्स टर्म दोनों होगा। तो वो आपका जब वैकेंसी निकलेगा उसके बाद पता चलेगा जो है। इसमें जैसे कि इसमें सीटेट आपको ज़रूरी नहीं है, सीटेट और टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई होना ज़रूरी नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जब बाद में ये फिक्स करेंगे, यानी जो रेगुलर टीचर होंगे जिसको परमानेंट रखेंगे, तो जो सीटेट क्वालिफाई हैं उनको प्रायोरिटी दिया जाएगा, या जो टीचिंग कर रहे हैं कहीं पर तो उनको प्रायोरिटी दिया जाएगा। तो ये चीज़ बाद के लिए है, बट कोई बात नहीं, आप पहले इसको करो, एग्ज़ाम को दो। तो देखो जो सिलेक्टेड प्रोसीड्यूर है वो क्या है। तो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम जो आपका ये होगा, ये एग्ज़ाम जो है आपका 21 से 22, ठीक है, 21 और 22 नवंबर 2020 को होगा। और ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा फ्रेंड, आपको ऑनलाइन ये एग्ज़ाम देनी है। और इसमें देखिए जो इसमें क्या रहेगा आपका फ्रेंड्स, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको जो है एक स्कोर कार्ड मिलेगा, इसमें आप क्वालिफाई करने के बाद आपको एक स्कोर कार्ड मिलेगा, ये बता रहा है आपको। और स्टेज टू में क्या होगा, जब आप पास कर जाओगे आपको स्कोर कार्ड मिलेगा, देन आपका एक इंटरव्यू होगा, ठीक है। और इंटरव्यू आप जैसे कि आप देख रहे हैं, और इवोल्यूशन ऑफ टीचिंग स्किल एंड कंप्यूटर प्रोफेशनली, तो वो थोड़ा सा आपका टेस्ट ये 15 मार्क्स का होगा, ये भी आपका देखा जाएगा। तो आजकल आई थिंक सभी को कंप्यूटर का थोड़ा बहुत नॉलेज है, और जब आप बीएड किए हुए हैं तो आपको टीचिंग का जो है स्किल का ये ऑब्वियसली पता होगा फ्रेंड्स। तो ये क्राइटेरिया आई थिंक आप फुलफिल कर सकते हो। तो नोट्स में नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए इसमें जो है आपको बताई मैंने, ऑनलाइन स्क्रीन टेस्ट जो है ये 21 और 22 नवंबर को होगा। और कैटेगरीज टीचर इसमें क्या क्या है, तो देखिए जैसे पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी, ठीक है, फॉर ऑल सब्जेक्ट पर लिस्ट, यहाँ पे लिस्ट में आगे आपको दिखाऊंगी, सबके लिए है। क्वालिफिकेशन, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन नीचे दिया हुआ है, मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए आप पीजीटी, जिसको पोस्ट ग्रेजुएट इन सब्जेक्ट कॉन्सर्न बोलते हैं, इसमें मिनिमम आपको 50% जो है चाहिए, और प्रोफेशनल बीएड होना चाहिए जिसमें 50% मार्क्स चाहिए। टीजीटी के लिए भी 50% है, प्लस बीएड आपका होना चाहिए जिसमें 50 होना चाहिए, और पीआरटी में ग्रेजुएशन होना ही चाहिए, प्लस आपका या तो बीएड भी चलेगा और 2 ईयर्स डिप्लोमा चलेगा जो 50%, यानी जो बीएड किए हैं वो भी पीआरटी का भर सकते हैं, यानी आप चाहो तो ये तीनों भर सकते हो। ए पोस्ट ग्रेजुएट विथ लेस 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन बट मोर देन 50 मार्क्स इन पोस्ट ग्रेजुएट विद द सब्जेक्ट अप्लाई फॉर शेल ऑल्सो बी एलिजिबल। अगर आपका ऐसा है कि आपका ग्रेजुएशन में 50% से कम है लेकिन आपका पोस्ट ग्रेजुएट में ज़्यादा है, तो आप बिल्कुल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, एज क्राइटेरिया यहाँ जैसे है, फ्रेश कैंडिडेट का बिलो 40 ईयर्स दिया हुआ है, बिलो, और जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है उनका 57 ईयर्स एज क्राइटेरिया है। तो आप एज क्राइटेरिया अपना देख लो। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि सीटेड और टीटी जो है इज़ नॉट मैंडेटरी ऑफ अपेयरिंग इन द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, इसके लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और जो ये टेस्ट जो होगा इसका डेट मैंने आपको बताया, जैसे दिया हुआ यहाँ पे 21 से 22 जो होगा, और मेथड ऑनलाइन है, एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे पीजीटी एंड टीजीटी पार्ट ए। तो देखिए इसमें आपका जो कंटेंट है ये जनरल अवेयरनेस,
जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश कम्प्रिहेंशन, एडुकेशनल कंसेप्ट एंड मेथोडोलॉजी एंड इंक्लूसिव एडुकेशन और आईटी, इस सेक्टर से आपका पीजीटी और टीजीटी में रहेगा। फ्रेंड्स, मैं आपको आर्मी स्कूल का प्रिपरेशन करवाऊंगी, तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर लीजिए, क्योंकि मैं ऑल टीचिंग एग्ज़ाम प्रिपरेशन कराती हूँ फ्रेंड्स। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। फ्रेंड्स, तो देखिए इसका जो मैक्स मार्क्स है वो 90 है, एंड ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम आपको 180 मिनट्स मिलेगा। फॉर टीजीटी पेपर ऑफ फॉर साइंस एंड सोशल साइंस सब्जेक्ट, देयर विल बी पोर्शन ऑफ क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू पैरेलल सब्जेक्ट। फॉर इंग्लिश टीजीटी फिजिक्स पेपर विल हैव 10 क्वेश्चंस ईच ऑफ केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये आपका दिया हुआ है, एंड 10 क्वेश्चंस ईच ऑफ ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस एंड सो ऑन, ये आपको बता रहा है। पार्ट ए में रहेगा और पार्ट बी स्पेसिफिक टू सब्जेक्ट, वो 90 का रहेगा आपका पीजीटी एंड पीआरटी। एंड जो पीआरटी है जो प्राइमरी स्कूल के लिए होता है, पार्ट ए जनरल अवेयरनेस, इसमें भी मेंटल एबिलिटी रहेगा फ्रेंड्स, कम्प्रिहेंसन, इंग्लिश ऑब्वियसली इंग्लिश रहेगी ही, एडुकेशनल कॉन्सेप्ट एंड मेथोडोलॉजी एंड इंक्लूसिव वही रहेगा फ्रेंड्स। कैंडिडेट बोल रहा है डिज़ायर टू अपीयर फॉर वैकेंसी हिंदी और संस्कृत टीचर विल गेट अ बिलिंगुअल पेपर, तो इसमें जो है आपका हिंदी और संस्कृत दोनों ही रहेगा। अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द पेपर शैल हाउएवर वी इन इंग्लिश ओनली एज जॉब असाइनमेंट वुड बी एंड इंग्लिश मीडियम स्कूल, क्योंकि ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो उसके लिए आपको इंग्लिश चाहिए ही। तो देखिए पीजीटी टीजीटी कैंडिडेट हु फेल इन पार्ट बी बट पास पार्ट ए मे ऑप्ट टेक अ स्कोर कार्ड फॉर पीआरटी सब्जेक्ट टू मीटिंग अदर क्वालिफिकेशन। अब देखिए नोट्स, स्कोर विल बी नॉर्मलाइज 200, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 1/4 मार्क्स, यानी आपका जो है एक क्वेश्चन, चार क्वेश्चन अगर गलत होता है फ्रेंड्स तो आपका अगर 4 क्वेश्चन रॉन्ग है तो 1 मार्क्स काट लिया जाएगा, यानी 1 क्वेश्चन पे 1/4 आपका कटेगा, यानी नेगेटिव मार्किंग है। आप जो है अगर आपको नहीं आ रहा तो आप सारे क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। अब आपका एग्ज़ाम फी जो है देखिए 500 है, 500 आपका एग्जाम फी है, और रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, तो जैसे भी स्टार्ट हो चुका है फ्रेंड्स क्योंकि आज 5 अक्टूबर है। देर आफ्टर पोर्टेबल विल बी क्लोज टू रजिस्टर, और रजिस्टर बंद हो जाएगा इसके बाद। फिल अप द पर्सनल इंफॉर्मेशन टू द एप्लीकेशन फॉर्म, तो मैं आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म भी ऑनलाइन कैसे भरेंगे ये मैं नेक्स्ट में बताऊँगी, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ फ्रेंड्स कि आप इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, ताकि मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और कैंडिडेट बोल रहा है यहाँ वुड बी एबल टेक मॉक टेस्ट ऑनलाइन फॉर फैमिलराइज देन द एग्ज़ाम प्रोशर, अ लिंक फॉर दिस अवेलेबल रजिस्ट्रेशन पोर्टल इफेक्ट फ्रॉम 4 नवंबर टू 13 नवंबर। आप 4 नवंबर से 13 नवंबर तक जाके इसके वेबसाइट पर जाके आप टेस्ट दे सकते हो। तो देखिए ये आपका वेबसाइट का लिंक है, इस वेबसाइट के लिंक पर जाके आप ये एग्ज़ाम का टेस्ट, मॉक टेस्ट देख सकते हो कि किस तरह से आपका रहेगा। एग्ज़ाम सेंटर, एग्ज़ाम सेंटर आप अपने अनुसार चूज़ कर लीजिए जो आपके करीब होगा। एडमिट कार्ड जो है आपका इशू कब होगा, तो बोल रहा है कि एडमिट कार्ड विल बी ऑनलाइन, आपका अवेलेबल ऑनलाइन हो जाएगा। कैंडिडेट में डाउनलोड एंड प्रिंट द सेम, आप जानते हैं हर एग्ज़ाम में यही होता है। नेक्स्ट एग्ज़ाम रिजल्ट, तो जो है एग्ज़ाम बोल रहा है कि विल बी पुट अप ऑन द सेम पोर्टल, ऑन रिव्यू रिजल्ट शैल बी एलो, द रिजल्ट शैल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट 30 डे आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। तो 30 डे रिजल्ट के डिक्लेरेशन के बाद ही आपका जो है सब रिजल्ट मिल जाएगा। और स्कोर कार्ड के बारे में फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ जैसे बता रहा है कि अगर आपको स्कोर कार्ड मिल जाता है तो वो कितने इयर्स तक वैलिड रहेगा, 3 इयर्स तक यहाँ पे बोल रहा है कि वो आपका जो है वैलिड रहेगा। आप 3 इयर्स तक चाहो तो 3 इयर्स तक क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। अ प्रोवाइडेड कैंडिडेट टास्क अप टीचिंग पोजीशंस इन एनी CBSE रिकॉग्नाइज स्कूल में आप पढ़ा सकते हो, ठीक है। और ये आपका टाइमलाइन है, रजिस्ट्रेशन देखिए 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर लास्ट है।
एबिलिटी ऑफ एडमिट कार्ड ऑनलाइन आपको 4 नवंबर को जो है मिल जाएगा। एग्ज़ाम 21 और 22 को है और पब्लिकेशन ऑफ रिज़ल्ट 2 दिसंबर को आपका जो है रिज़ल्ट भी आ जाएगा। और सैम्पल पेपर के लिए आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये लिंक, इस लिंक पर जाके आप सैम्पल पेपर पे दे सकते हैं एग्ज़ाम। और पार्ट ए एंड पार्ट बी, पार्ट ए 50 एंड पार्ट बी 50 स्पेसिफिक सब्जेक्ट रहेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, उम्मीद करते हैं कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ पब्लिक स्कूल, कहाँ कहाँ पब्लिक स्कूल है, जैसे देखिए पुणे, ठीक है, क्रिकी आप देख रहे हो, ये लिस्ट है कहाँ कहाँ हमारा पब्लिक स्कूल है और इसमें सब, और ये आपका जो है लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है। तो अगर आपके पास इस सब्जेक्ट में है एवल, तो जैसे इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, साइकोलॉजी, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, होम साइंस एंड फिज़िकल एजुकेशन, तो इन सारे सब्जेक्ट में जो है PGT एंड TGT दोनों अवेलेबल है, आप दोनों से भर सकते हो। और ये आपका PGT में देख लीजिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर टीचर इन आर्मी स्कूल के लिए क्या चाहिए, तो PGT में आप हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस से अगर PGT मतलब MA किए हुए हैं और आपके पास BEd है, ये प्रोफेशनल है, तो आप भर सकते हो इसमें, और कुछ क्राइटेरिया नहीं है। और जो लोग मैथ किए हैं उनके लिए जो है आपका ये अल्टरनेटिव है, यानी या तो PG होना चाहिए इन स्टैटिक ये, और नहीं तो फिर BEd होना चाहिए, या तो ये, या तो ये अल्टरनेटिव है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए, बाकी सब्जेक्ट के लिए, तो आप बिल्कुल जो है अप्लाई कर सकते हैं। और TGT के लिए भी देख लीजिए, आपका सेम वही है कि आपके पास जो है डिग्री होना चाहिए उसके लिए एंड BEd होना चाहिए, तो आप हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी से अप्लाई कर सकते हैं। और ये अल्टरनेटिव है फ्रेंड, ये आपके पास नहीं है तो चलेगा। PRT के लिए ग्रेजुएशन चाहिए ही चाहिए और 2 इयर्स का डिप्लोमा चाहिए फ्रेंड्स, और नहीं है तो आपको BEd भी चलेगा। और ये आपका एग्ज़ाम सेंटर है, तो आप देख रहे हैं, आप अपने, अगर आप करीब में अपने जहाँ पे आप हो वहाँ से आप करीब में जो आपका पड़ता है वहाँ पे अप्लाई कर दे सकते हो सेंटर। तो देखिए आपका सेंटर में जैसे आप देख ही रहे हैं, अगरतला है, आगरा है, अहमदाबाद है, ठीक है, अजमेर है, चेन्नई है, देहरादून है, दुर्गापुर है, तो इधर पुणे, पटना, रांची, हैदराबाद, तो ये आपके एग्ज़ाम सेंटर हैं, तो लखनऊ, तो आपको जो करीब लगता है फ्रेंड्स आप वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा, मैंने सारे डिटेल्स आपको बताए हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा है, और अब आप जो है अप्लाई कर सकते हो। और होगा तो फ्रेंड्स मैं कल आपको किस तरह इसका अप्लाई करना है, फॉर्म भरना है, वो भी मैं आपको बताऊँगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो फ्रेंड्स।